आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बिहार सरकार द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन संजीवन के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ये मेरे होम स्क्रीन पर एक संजीवन नाम का एक एप्लीकेशन है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है, मैं अलाउ कर दे रहा हूँ। ये कैमरा के लिए अलाउ कर देता हूँ। ये कॉल के लिए अलाउ कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस ही। तो आप देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में बहुत ही आसानी से ओपन हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट जो आपको शो कर रहा है यहाँ, टेस्ट के लिए रजिस्टर करें, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ नाम डाल लीजिए अपना, जो भी हो। यहाँ पे आप आयु डाल लीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लीजिए। यहाँ पे आप मेल है कि फीमेल, मेल पुरुष के लिए और फीमेल स्त्री के लिए होता है, और या अदर हो तो अदर डाल लीजिए। आप यहाँ एक अपना जैसे कि आईडी डाल लीजिए, पेन नंबर डाल लीजिए, या डीएल नंबर इत्यादि, या आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं। आप यहाँ ईमेल डाल लीजिए, आप यहाँ अपना एड्रेस डाल लीजिए यानी पता डाल लीजिए, आप यहाँ राज्य डाल लीजिए, यहाँ ज़िला डाल लीजिए, मैंने ज़िला डाल लिया, ब्लॉक यहाँ पर डाल लीजिए, यहाँ पिन कोड डाल लीजिए, यहाँ राष्ट्र यूज कर लीजिए, जैसे मैं इंडियन हूँ। यहाँ पूछ रहा है लक्षण, आपको इसमें से कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है आपके अंदर? बुखार लग रहा है? नहीं। खांसी? नहीं। सांस लेने में परेशानी? नहीं। कोई लक्षण नहीं, मैं इस पर टिक कर लेता हूँ। क्या मरीज कंटेनमेंट जोन में रहते हैं? यस। कोविड-19 मामले से संपर्क? यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। इसका मतलब हुआ क्या वो व्यक्ति जो अभी मरीज है उसने किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति से कभी मिला है? तो मैं यहाँ नो कर लेता हूँ क्योंकि नहीं मिला। मैं ऐसे ही डेमो के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पूछ रहा है गंभीर चिकित्सा स्थिति, यानी इसमें से कोई लक्षण उस व्यक्ति के अंदर है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, लीवर, किडनी डैमेज, या HIV, TB, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो इसी तरह छोड़ दीजिए, और ये सब भरने के बाद आप केवल यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे मैं पूरा जानकारी नहीं भर रहा हूँ, इसलिए बैक कर दिया मुझे। फिर मैं बैक हो जाता हूँ यहाँ से। दूसरा नंबर है यहाँ पे नज़दीकी कोविड परीक्षण केंद्र। आप यहाँ से देख सकते हैं कोविड परीक्षण केंद्र आपके आसपास का। यहाँ GPS के लिए परमिशन मांग रहा है, मैं अलाउ कर दे रहा हूँ। आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ हाई पे ये टिक होना चाहिए, लो पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्चिंग करने लगा, स्कैन कर रहा है आसपास। आप देख सकते हैं ये इतना सारा खोज कर मुझे दे दिया। यहाँ पे बता रहा है 5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 11.48 किलोमीटर, 11.48 किलोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये नाम भी बता रहा है कहाँ पे। आप ये क्लिक करके मैप पर डायरेक्ट देख भी सकते हैं, यहाँ ड्राइव कर सकते हैं। Head west, then turn right. आप देख सकते हैं मैं चाहूँ तो ये गाड़ी चला कर वहाँ पर जा भी सकता हूँ। यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है ये, पर मैं बैक हो जाता हूँ। और समय यहाँ बता रहा है सुबह का 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, यानी इस हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। ये जो तीसरा है ये हमारे लिए नहीं है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ चौथा दिया गया है नज़दीकी कोविड स्वास्थ्य केंद्र CCC, मैं इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे जितने भी नज़दीकी कोविड स्वास्थ्य केंद्र है CCC, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पांचवा है नज़दीकी कोविड अस्पताल। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ नज़दीकी कोविड स्वास्थ्य केंद्र है ये, और ये नज़दीकी कोविड अस्पताल, यहाँ पे अस्पताल दर्शाया गया है। आप यहाँ अस्पताल नज़दीकी देख सकते हैं, जैसे 10 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, ये 93 किलोमीटर है। और यहाँ पे सामान्य प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस क्या है, व्हाट इज़ कोरोना। अगर आप इंग्लिश में किए होते तो यहाँ पे इंग्लिश में आता,
तो आप देख सकते हैं इसके बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ बहुत सारा सामान्य प्रश्न दिया है जो कि हो सकता है हमारे एग्ज़ाम से भी रिलेटेड हो। मैं बैक हो जाता हूँ। आप यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ समझ लीजिए, जैसे आप यहाँ से इसको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है। इस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है और मैं आपको बता दूँ, जैसे ये सब जानने के बाद यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप इन सब से चैटिंग कर सकते हैं यानी बात कर सकते हैं मैसेज में। नमस्ते, कृपया जारी रखने के लिए अपने मन पसंदीदा भाषा विकल्प चुनें। नमस्ते, कृपया जारी रखने के लिए पसंदीदा भाषा विकल्प चुनें। हिंदी के लिए एक दबाएं, अंग्रेजी के लिए दो दबाएं। अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो आप एक क्लिक कीजिए और सेंड कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो दो क्लिक कीजिए और सेंड कर। मैं हिंदी में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दे रहा है, जारी रखने के लिए कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करें। सुरक्षा, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए एक दबाएं। FAQ, आपके प्रश्न के उत्तर के लिए दो दबाएं। मिथक तथ्य को समझने के लिए तीन दबाएं। मैं यहाँ एक सेंड कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। वीडियो देखें, यहाँ पे वीडियो का लिंक भी दे दिया है। वीडियो तो पहले नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिंक नहीं काम कर रहा है। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपने आँखों को मुंह और नाक छूने से बचें, खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को अपनी कोहनी मुड़कर या टिश्यू पेपर की सहायता से ढके रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आप देख सकते हैं श्रोता यानी WHO द्वारा बताया गया है। मैं यहाँ तीन क्लिक करके देख रहा हूँ, कुछ बता रहा है। यहाँ पे मिथ है, ये सब मिथक हमारे आसपास कई तरह का भ्रामक जानकारियाँ मौजूद है, किंतु तथ्य निम्नलिखित है। ठंडे का मौसम और बर्फ कोरोना वायरस को मार नहीं सकते, ये सब मिथ है। मैं इसे बैक हो जा रहा हूँ। आप यहाँ कॉल का ऑप्शन है, आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं। ये एम्बुलेंस के लिए है फर्स्ट वाला, ये दूसरा कोविड हेल्प सेंटर के लिए है। जैसे आपको कोविड हेल्प सेंटर के लिए कॉल करना है तो यहाँ से कॉल कर सकते हैं। आप देख लिए कि डायरेक्ट कॉल चला जाता है। और यहाँ पे थ्री डॉट है, यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ वही ऑप्शन है जो वहाँ पे दिखाया गया था, टेस्ट के लिए रजिस्टर करें, वही वाला है ऑप्शन। शिकायत दर्ज करें, आप यहाँ से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप यहाँ से बहुत सारा नंबर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हर एक जगह का इसमें दिया है, पश्चिम चंपारण बेतिया, ये बेतिया का है। आप यहाँ से नंबर नोट करके जिला आपातकालीन संपर्क विवरण से संपर्क कर सकते हैं। मैं बैक हो जा रहा हूँ। यहाँ दे रहा है डेवलपर बाय इंडियन, ये इंडियन कंपनी द्वारा एप्लीकेशन को बनाया गया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में इस YouTube चैनल पर डालता रहता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित जितना भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।